is. Deze? Ja. Ja. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro More Oh,
Mom?
Nene, sudah bakat kan? Oh,
महाराज महामंत्र या एक भजन 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 ओके भजन हो गया भजन सिंह राधा कृष्ण प्राण मोहन Radha Krishna Pranamo Jugala Kishora Jivane Marane Gati Arana Himora Radha Krishna Pranamo Jugala Kishora Jivane Krishna, 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 Krishna,
Oh.
आप जाइए साहब हो महाराज साहब हो सारे आठ हो गए महाराज जी लेकिन ये बेहतरीन फोन ये गानी गानी चाहती है Thank you.
ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनिकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितिल्ला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितिल्ला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। कहते आज बहुत बहुत बढ़िया दिन है। आज जो तिथि है इसका नाम एकादशी तिथि। आप लोग अभी अभी हम भजन गा रहे थे, बोले माधव तिथि भक्ति जननी जत कृष्ण बसती बसती बोली परमानरी बारी शोध भक्त चरण रेणु अजनानु बोला। श्री भक्तिमय ठाकुर कहते हैं कि जो तिथि का नाम है माधव तिथि। कहते हमारे भारत में लोग ऐसे कोई सोमवार व्रत भी करते हैं। सोमवार किसके लिए? श्री भोले बाबा के लिए। कहते कोई मंगलवार भी करते हैं, बोले किसके लिए? हनुमान जी के लिए। कोई बुधवार भी करते हैं, किसके लिए? किसके लिए? कभी कभी गणेश जी के लिए कोई करते हैं। कोई बृहस्पतिवार करते हैं, किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। कोई गुरुवार। हमारे भारत में तो अलग अलग दिन में अलग 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 देवा देवी की पूजा करते हैं और उनके व्रत रखते हैं। इसलिए कहते दूसरे दूसरे जो व्रत है, कोई भोले बाबा के लिए, कोई हनुमान के लिए, कोई शंकर जी के लिए, कोई देवी मैया के लिए, लेकिन ये जो व्रत है, आज का जो व्रत है, कहते ये कौन सा व्रत है? कहते माधव तिथि भक्ति जननी। ये तिथि, ये माधव का तिथि है, ये भगवान कृष्ण का तिथि है। इसलिए जगत में तो 33 करोड़ देवता हैं, कितने को मनाओगे? एक को मनाओ, दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाएगा। तीसरा को मनाओ, चौथा मुंह फुला कर बैठ जाएगा, हैं? इसलिए फिर कितने को मनाओगे? लेकिन कृष्ण ऐसे एक देवता हैं जिसको एक को मना लो, सबको मनाना हो जाता है। बोले तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट तत्प्रणीते प्रणीतम जगत। जब कृष्ण कृष्ण की कृपा हो जाए, इसलिए कहते जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिसको ऊपर में हरि की कृपा हो जाता है,
ये जो 33 करोड़ देवता उसको ऊपर में अपनी आप संतुष्ट हो जाते, अपनी आप संतुष्ट हो जाते हैं। और ये जो एकादशी तिथि है, कहते ये है क्या चीज, पहले माधव तिथि भक्ति जननी, कहते ये भक्ति की माँ है। माँ क्या करती है, जैसे बच्चे को जन्म देती हैं, लालन पालन करती हैं, उसी तरह ये जो भक्ति है, कहते उसी तरह भक्ति भी क्या करती हैं, ये भक्ति। इसलिए श्री नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं, बोले भक्ति रे वैव नयति, ये भक्ति देवी क्या करती हैं, कहते भगवान तक जीव को कौन ले जाता है, बोले भक्ति रे वैव नयति, कहते भगवान तक केवल भक्ति ही ठाकुर भगवान तक ले जाती हैं। बोले भक्ति रे वैव दर्शयति, बोले भगवान को दर्शन कौन कराती हैं, बोले भक्ति। बोले भक्ति रे वैव भूयसी, इसलिए जगत में जय जयकार किसकी है, जगत में कहते भक्ति की ही जय जयकार है और किसी की नहीं। इसलिए हमारे सुरदास क्या कहते हैं, सबसे ओचे प्रेम सगाई। कर्म का बंधन है, जोग का बंधन है, सबका बंधन है, लेकिन श्री सूरदास जी कहते हैं लेकिन सबसे बड़ा बंधन किया है, भगवान सबसे ज्यादा किसको द्वारा संतुष्ट होते हैं, बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान भक्ति को द्वारा जितने संतुष्ट होते हैं, भगवान खुद कहते हैं, कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं, बोले हे उद्धव न साधयंत माम जोगम, कहते हे उद्धव अगर कोई बोले हम योग साधन करके भगवान को संतुष्ट कर देंगे, भगवान कहते मेरे को योग से कोई संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। न साध है तमाम योग न सांख्य धर्म उद्धव, कहते मेरे को सांख्य योग के द्वारा, ज्ञान को द्वारा, कर्म को द्वारा मेरे को कोई वशीभूत नहीं कर सकते हैं। जथा भक्ति ममर्जिता, कहते भक्ति को द्वारा मैं जितने संतुष्ट होता हूँ और कोई उपाय नहीं मेरे को कोई संतुष्ट कर सकता है। इसलिए भगवान भक्ति की वशीभूत होकर भगवान ने क्या किया, भगवान ने बोले दोर जो धन की मैं बात्यागे साग भी दूर घर खाई। सोच रहा था वो ग्वाला गैया को चराने वाले वो बढ़िया बढ़िया खाना कहाँ से देखा, जब आज कृष्ण आएंगे ना ऐसे बढ़िया बढ़िया खाना छापा न भोग छत्री से व्यंजन भगवान के लिए बना कर रखे थे, भले भगवान को खिला पिला कर संतुष्ट कर देंगे, लेकिन भगवान जो बोले पांडवों के लिए 5 गांव दे दो, बोले कन्हैया पहले अपना भोजन कर लो उसको बाद में फिर बात करेंगे। कृष्ण ने कहा देखो भोजन 3 जगह में की जाती है, कितने जगह पर की जाती है, कहाँ कहाँ पर, बोलो कौन बोलेगा, कृष्ण कहते भोजन 3 जगह पर की जाती है, कोई एक एक बोलो, हाँ एक है दोस्त के घर में भोजन की जाती है। दुर्योधन ने कहा मैं क्या आपका दोस्त नहीं, बोले मेरा आप दोस्त नहीं हो, बोले क्यों, बोले जो मेरे भक्त का जो दोस्त है ना वो मेरे दोस्त है, और मेरे भक्त का जो शत्रु वो मेरे शत्रु है, पांडव मेरे भक्त है, कि तुम उनको शत्रु हो इसलिए मेरे शत्रु है, हैं इसलिए कि दूसरा जगह पर भोजन की जाती, कहाँ पर, एक तो हो गया दोस्तों घर में,
दूसरे जगह पर कौन बोलेगा? तुम बोलो। अगर जिस काम के लिए तुम आए हो, अगर वो काम तुम्हारी बन जाती है ना, बोले भैया कोई बात नहीं, हम जिस काम के लिए आए थे वो काम बन गया, चलो भोजन कर लेते हैं, कहते वहाँ पर भोजन कर देते हैं, हैं? बोले तीसरी जगह पर कहाँ पर करते हैं? बोलो। हैं? हाँ, अगर कोई भूखे व्यक्ति हो ना, बोले भैया भूख लग रहा है, जो कुछ हो ले आओ, हैं घर में जो कुछ हो ले आओ, भूख लग रहा है, हैं? इसलिए कि तीसरी जगह पर कहते हमारा तो कोई भी काम नहीं बना, इसलिए हम तो यहाँ भोजन नहीं करेंगे। बोले कहाँ भोजन करेंगे? बोले भगवान विदुर जी के घर में जा करके उन्होंने केले का छिलका भगवान ने खाए। इसलिए कहते भगवान केवल भक्ति को द्वारा, ये जो एकादशी तिथि है, कहते भक्ति जननी, एकादशी तिथि भक्ति की, ये माँ श्री एकादशी व्रत है, हैं? इसलिए भगवान ने क्या किया? बोले सबरी के झूठे बेर खाए और बहु भी दस्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोले सबरी तेरे झूठे बेर में जो आनंद आया ना मेरे को वैकुंठ में, मेरी लक्ष्मियाँ मेरे लिए छापन भोग 36 व्यंजन बनाते हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं आता तेरी झूठे भैर में जो आनंद आया। इसलिए भगवान केवल भक्ति को द्वारा वशीभूत होते हैं। इसलिए आज जो एकादशी तिथि कति, एकादशी तिथि क्या है? बोले एकादशी भक्ति जननी, एकादशी भक्ति को देने वाले। और भगवान केवल प्रेमेर बस चैतन्य गोसाई, भगवान केवल प्रेम को द्वारा ही भगवान केवल वशीभूत होते हैं, और किसी को द्वारा भगवान वशीभूत नहीं होते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये एकादशी तिथि को कैसे पालन करनी चाहिए। कहते एकादशी तिथि को बोले भक्त जतन ने पालन करी, कहते इसको जतन पूर्वक पालन करनी चाहिए। देखो श्री प्रभुपाद कहते हैं जैसे सत्य युग में था ध्यान, लोग ध्यान करके भगवत प्राप्ति करते थे। त्रेता युग में था यज्ञ, लोग यज्ञ करके तपस्या करके, यज्ञों के पास में बैठो आग की झपटा निकलती है, धुआं निकलता है, बड़ा कष्ट होता है। ऐसे द्वापर युग में था अर्चन, लेकिन कलियुग में जो तपस्या किया है, कलियुग में तपस्या बोले एक एकादशी तिथि है, एक एकादशी तिथि कलियुग में यह तपस्या है। इसलिए एकादशी का दिन, इसलिए क्या करनी चाहिए? एकादशी का मतलब होता है ग्यारस, हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और इसका जो राजा कौन? बोले मन। कहते आज का दिन क्या करनी चाहिए? हमें अपना 11 इंद्रियों को द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे अम्बरीश महाराज सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो, अपना मन से भगवान को चिंतन करते थे। करौर हरीर मंदिर मार्जना दिशु, हाथों में ठाकुर जी के मंदिर मार्जन करते थे। श्रुति च चकार अचूत कथा दयो, कान को द्वारा भगवान की कथा सुनते थे, और पादौ चरण को द्वारा तुलसी परिक्रमा करते थे। इसलिए आँखों को द्वारा ठाकुर जी की मूर्ति को दर्शन करते थे। इसलिए आज का दिन नियम है कि ये 11 इंद्रियों को आज भगवत सेवा में लगानी चाहिए। और प्रभुपाद कहते थे, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो कहते थे, आज का जो दिन है ना, देखो ओके अच्छी बात कहते थे प्रभुपाद, कहते अगर एक जीवन में कोई अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, एक जीवन में क्या क्या करना चाहते हैं, एक जीवन में अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, प्रभुपाद कहते थे, कहते हर एकादशी से लेकर के एकादशी का दिन अपना विचार करो, हमारे जीवन में कितने परिवर्तन आया। पहले हम कितना हरिनाम करते थे, हरिनाम घटा ना हरिनाम बढ़ा है। जितने हम माला करते थे वो माला घटी ना माला ज़्यादा हमने से लेकर के हमारी जो इंद्रियां हैं, हैं कितने बहिर्मुख, कितने समय हम उल्टा सीधा बात में समय बिताया करते थे, इधर उधर के बात में गमाया करते थे। वो चीज़ को हमने घटा करके हमने कितने भगवत चर्चा की, कितने हमने भगवत चर्चा की, कितने हरि विमुख, जो भगवान की भक्ति से विमुख व्यक्ति का संग छोड़ करके कितने समय में हमने हरि कथा हरि चर्चा में हमने लगाया है। कहते एकादश से एकादश लेकर के
प्रभुपाद कहते थे एक डायरी रखो और उसमें लिखो, उसमें लिखो हमारी एकादशी से लेकर एकादशी कितने भक्ति में उन्नत हुए ना भक्ति में हमने घटी है, हैं। लेकिन और प्रभुपाद कहते थे 15 दिन, तो 15 दिन में हो गया, अगर और अगर जल्दी से जल्दी भक्ति में एडवांस होना चाहते हो 7 दिन में अपना जीवन को देखो, अगर और जल्दी से जल्दी भक्ति में अग्रसर होता ना रोज रोज सोने से पहले, हाँ सोने से पहले विचार करो हमने कितने बजे सोए और कितना बजे उठे, और कितने समय हमने आज का दिन हमने कितने समय हमने भगवत चर्चा हरि कथा हरि नाम में समय बिताया और कितने समय हमने बहिर्मुख में समय बिताया, उसको विचार करो, हाँ रोज सोने से पहले, हैं सोने से पहले ये चीज को लिखो। अगर आज का दिन अगर हमारे समय कहीं अगर गंदी चीज में चला गया, इधर उधर चर्चा में, हैं इधर उधर बात में अगर चला गया तो फिर दूसरे दिन सतर्क हो जाओ, नहीं कल हमारी समय ऐसे व्यर्थ गया था, आज हम अपना समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे, वो समय को सावधान होकर के वह समय भी हरि कथा हरि चर्चा भगवान की कथा भगवान के नाम में जाए, हैं। प्रभुपाद कहते थे अगर एक जीवन अगर आप सतर्कता पूर्वक और किया ना एक जीवन में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, एक जीवन में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, एक जीवन में अगर इतने सिंसियर होकर कोई अगर भजन करे तो। इसलिए कहते जो ये एकादशी तिथि ये किया है भक्ति जननी जतने पालन करी, एकादशी को जत्न पूर्वक पालन करो। बोले जत्न पूर्वक मतलब क्या है, बोले आज का दिन दूसरे दूसरे दिन जितने हम हरि नाम करते थे आज कोशिश करो उससे थोड़ा ज्यादा हरि नाम करने के लिए, और आज का दिन जैसे ठाकुर जी को हम रोज बैसे से जाते हैं लेकिन आज का दिन कोशिश करो आज थोड़ा फूल लाओ। एकादशी का दिन हमारे जो गुरु जी थे ना हमारे मेरे जो गुरुदेव, एकादशी का दिन रोज तो हमारे मंदिर में रोज ठाकुर जी के लिए फूल माला बनेगा गुरु वर्गों के लिए रोज, लेकिन एकादशी का दिन हमारे मंदिर में विशेष करके, हैं एकादशी का दिन विशेष करके सुंदर सुंदर फूल ला करके, हैं सुंदर सुंदर फूल ला करके मंदिर को सुंदर श्रृंगार करते थे। और आज का दिन हमारे गुरु जी के मठ में कहीं कहीं रोज रोज से 5 दियाओं से आरती करते थे ना, आज 108 दिया 108 दिया से क्या करते थे ठाकुर जी को आरती उतारा करते थे। इसलिए एकादशी का दिन कम से कम लगे आज एकादशी है, रोज जैसे हम अपना जीवन को बिताते हैं एकादशी, क्योंकि एकादशी ही कलयुग में यही तपस्या है, यही कलयुग में तपस्या, जीव को ये लगनी चाहिए नहीं रोज हम इतने हरिनाम करते थे आज हम थोड़ा ज्यादा हरिनाम करेंगे, कोशिश करेंगे आज जैसे 1,00,000 हरिनाम हो जाए। इसलिए महाप्रभु क्या करते थे, बोले श्री हरि बस रे हरि कीर्तन विधान नृत्य आरंभिला प्रभु जग तेरा प्राण संगन में क्या करते थे, पूरा सारे परिकर है नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवास जितने महापुरुष का परिकर श्रीवास अंगन नृत्य आरंभ बिला प्रभु जगत प्राण। आज गाते क्या करते थे, रात भर हरि कीर्तन, रात भर सोते नहीं थे रात भर कीर्तन करते थे। कहते प्रभुपाद का समय पर कोई एक भक्त थे वो क्या करते, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी आते थे ना छोटे छोटे मंदिर बच्चे, बोले देखो आज का दिन हम मृदंग मजरा लेकर रात भर कीर्तन करेंगे और जो आएगा ना उसको मूंगफली खिलाएंगे। बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते थे उनका टफी का लोभ दिखा करके मूंगफली का लोभ दिखा करके, आज मेरे साथ में जो रात भर कीर्तन करेगा उसके लिए मैं टफी लजेंस और उनके लिए मूंगफली दारा दूंगा, उनको लोभ दिखा कर क्या करते थे उनको रात भर मृदंग करताल लेकर के रात भर कीर्तन करते थे।
अगर हम रात भर कीर्तन नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आज का दिन थोड़ी सी टीवी कम देख करके हैं, मोबाइल इधर उधर चीज उल्टा पुल्टा चीज में समय को ज्यादा नहीं देख करके क्या करो, आज का दिन थोड़ी सी ज्यादा हरि नाम करो हैं, ठाकुर को सुंदर सुंदर थोड़ा फूल ला करके ठाकुर को श्रृंगार करो। आज हो सके अगर घर में ठाकुर जी हो उनको थोड़ा पंचामृत से, ठाकुर जी को पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान कराओ ठाकुर जी को हैं। इसलिए आज का दिन थोड़ी सी ज़्यादा, अगर एक माला जो करेगा ना उसको 100 माला करने का फल मिलेगा आज का दिन। इसलिए आज के थोड़ी सी ज़्यादा करो हरि नाम को, थोड़ी सी आज ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं भक्त जतने पालन करी, बोले कृष्ण बसती बसती बोले परम आदर बरे। बोले इसको क्यों जतन पूर्वक पालन करेंगे, बोले कारण है, बोले कृष्ण बसती बसती बोली आज का दिन है, आज का दिन एकादशी में भगवान की बसती है, भगवान की निवास है। इसलिए नियम है आज का दिन अन्न खानी नहीं चाहिए, अन्न देनी नहीं चाहिए। देख एक दो स्टोरी सुन लो, एक दो स्टोरी सुन लो। बोले एक समय कुछ गांव के लोग बैठे हुए थे, ये हमारे वहाँ पर एक पत्रिका निकलती थी, पत्रिका में कथाई थी। एक समय कुछ गांव के लोग बैठे हुए थे, लोग बैठे हुए थे तो हठात उन लोगों ने देखा पहले जो व्यक्ति मर गया था, एक व्यक्ति मर चुका था, हठात वो व्यक्ति को देखा वहाँ पर खड़े हुए, देख कर डर गई। अगर मरे हुए व्यक्ति अगर जिंदा हो जाए अब क्या होगा, बोले तो भैया भूत भूत आ गया, और सब के सब भागने लग गए, वो भूत आ गया। इतने में उसने कहा भैया कोई चिंता मत करो, मैं तो भूत हूँ। बोले भैया तू तो मर गया था, जिंदा कैसे? बोले देखो मैं अभी जमदूत बन गया हूँ। क्या बन गया हूँ? जमदूत बन गया हूँ। बोले भैया तू जमदूत क्यों बना? बोले कारण है, भगवान हमें 100 बार मानव शरीर दिया, एक बार नहीं, भगवान हमें चांद से दिया। मानव शरीर क्या है? ये मानव शरीर है क्या चीज, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं, बोले साधन धा मोमोक्ष कर द्वारा पाई न जेई पर समझा रहे। बोले हे अयोध्यावासियों, ये मानव शरीर नहीं, 84 लाख जन्म भटकते भटकते ये जो मानव शरीर, ये मुक्ति की दरवाजा पर तुम पहुंचे हो हैं। 84 लाख जन्म गधे सुअर पेड़ पौधा होते होते ये मानव, ये मुक्ति की दरवाजा पर तुम पहुंचे हो, मानव शरीर नहीं। लेकिन ये पाई न जेई पर लोग सवारा, भगवान जिनको मानव शरीर तो दिया लेकिन पाकर करे किया, बस गधे कुत्ते सुअर जैसे खा पी करके बच्चे जन्म देकर मर जाते हैं। ऐसे ही अगर मर गया तो भगवान कहते हैं दूसरे जीवन में सिर पीटते रह जाओगे, लेकिन तेरे को ये मानव शरीर और नहीं मिलेगा, तेरे को मानव शरीर। वो कहता है भगवान हमें मानव शरीर तो दिया लेकिन हम भगवान की भक्ति नहीं किया, फिर भगवान कृपा करके 2 बार भी हमें मानव शरीर दिया, लेकिन वो जीवन पा करके भी जानवर जैसे खा पी करके हमने जीवन को बिताया। भगवान हमें 100 बार मानव शरीर दिया लेकिन जब भजन नहीं किया, मैंने 100 बार नरक गया। कितना बार गया? 100 बार नरक गया, क्यों? भजन नहीं किया। जब महाराज ने देखा लगता है ये नरक का बड़ा भगत है ये नरक का बड़ा भगत है, ये नरक इसको बढ़िया लगता है, इसलिए बोले इसको जमदूत बना दो, इसको जमदूत बना दो, ये क्यों बार-बार नरक आ रहा है ना। इसलिए और देखो, एक व्यक्ति अगर एक जगह पर 100 बार जाए ना, फिर क्या होगा, वहाँ का सारी जानकारी हो जाता है, कौन सा कर्म करने से क्या फल मिलता है, क्या जन्म से क्या फल मिलता है ना, एकदम एक्सपर्ट बन जाता है हर चीज में। बोले ये 100 बार नरक में आया ना, उसको सारी चीज यहाँ का पता चल गया, इसलिए इसको जमदूत बना दो। इसलिए मैंने जमदूत बन गया। बोले तू यहाँ पर क्यों आए हो? बोले देखो, कोई व्यक्ति मरने से पहले हमको पता पड़ जाता है,
कौन व्यक्ति मरने वाले पहले हमें पता पड़ जाती है, इसलिए हम आ जाते। बोले यहाँ पर क्यों, कोई मरने वाले है क्या, कोई मरने वाले है क्या? बोले हाँ, गांव के अमुक व्यक्ति मरने वाला है, थोड़ी देर बाद में हम उसको लेने के लिए आए। तब लोगों ने पूछा, ये बताओ तुम तो नरक में रहते हो। बोले हाँ। बोले बता सकते हो क्या काम करने पर कभी नरक जाना नहीं पड़ेगा, क्या करने से जीव कभी नरक नहीं जाएगा, ये बता सकते हो? बोले हाँ, ये बता सकता हूँ। कहते अगर कोई ये एकादशी व्रत रखता है, हैं, एकादशी भगवान विष्णु का व्रत है, अगर कोई एकादशी व्रत रखता है वो कभी नरक नहीं जाएगी, जमदूत स्वयं बता कर गए। और उनने और एक दो बात बताए, जिनकी गले में कंठी तिलक है वो व्यक्ति कभी नरक नहीं जाएगा, वो स्वयं जमदूत बताए। हमारे वहाँ पर एक ये निकलता है, हैं, वो पत्रिका निकलती है, पत्रिका में सही बात निकला था, इसलिए जो व्यक्ति एकादशी कंठी तिलक धारण करेगा वो कभी नरक नहीं जाएगा। और एक स्टोरी सुन लो। हाँ, कहते एकादशी का दिन अन्न खाने नहीं चाहिए, अन्न देनी नहीं चाहिए, अन्न खाना भी पाप है और एकादशी का दिन अन्न देना भी पाप है। अभी नामदेव, एक नाम सुने होंगे, नामदेव एक संत हुए हैं, दक्षिण में नामदेव एक संत हुए हैं, वो ऐसे एक संत हुए हैं, बड़े अच्छे संत हुए हैं, दो पति पत्नी थे, हैं, वो ऐसे संत हुए जिनके घर में स्वयं ठाकुर जी श्रीखंड नाम लेकर के, स्वयं भगवान वैकुंठ से श्रीखंड नाम लेकर के ठाकुर जी उनके घर में काम करते थे, पानी लाते थे, घर साफ साफ करते थे, ठाकुर का सारी सेवा करते थे। बोले क्यों? बोले दो पति पत्नी के बोले थे, ठाकुर में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती थी, अभी दोनों पति पत्नी कितने ठाकुर को सेवा करेंगे, करते करते थक जाते थे, इनकी सेवा की भावना देख करके भगवान स्वयं वैकुंठ से स्वयं ठाकुर जी उतर करके आ गए और उसको घर में ठाकुर जी सेवा करते थे, उसको घर में शिक्षा देते हैं। भगवान कहते ना, अक्तेसाम सतत जुगतनाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगम तम जनमाम उपजान्ति ते। भगवान कहते तेसाम सतत युक्त नाम, जो व्यक्ति सतत युक्त होकर के प्रेम पूर्वक मेरी सेवा पूजा भक्ति करते हैं, भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि जोगम तम, उसको मैं बुद्धि और सब कुछ उसको प्रेरणा प्रदान करता हूँ। जो हृदय से ठाकुर को सेवा करके, कहते हैं ना, भगवान का तरफ में एक कदम बढ़ाओ ठाकुर जी आपके तरफ में सौ कदम बढ़ाते हैं, हैं, हृदय से ठाकुर की सेवा करने के लिए कोशिश करो, ठाकुर के हृदय से गुरु वैष्णव भगवान की सेवा करने के लिए कोशिश करो, देखना ठाकुर जी अपने आप सारे व्यवस्था ठाकुर जी बना देते हैं, स्वयं ठाकुर जी बना देंगे, लेकिन केवल तुम्हारी हृदय में इच्छा केवल हो, हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान सब कुछ व्यवस्था ठाकुर जी कर देते हैं। इसलिए श्रीखंड रूप में ठाकुर जी आ गई, घर में ठाकुर जी सब सेवा करते थे। एक समय कोई भक्त हुए, उन्होंने लक्ष्मी नारायण की उपासना की, तपस्या की, तपस्या किया तो केवल माँ लक्ष्मी केवल आई। जब लक्ष्मी आई तो वो भक्त ने पूछा, पिताजी कहाँ है? माताजी तो आ गई, पिताजी कहाँ? भगवान नारायण का। बोले नारायण अभी मरते जगत में श्री नामदेव घर में श्रीखंड नाम लेकर के वो स्वयं इनके घर में सेवा कर रहे, अगर दर्शन करना चाहते हो तो मरते जगत में जाओ, ठाकुर को दर्शन मिलेगा। अभी उतर करके आए, जब उतर करके आया वो भक्त, इतने में जो ठाकुर जी स्वयं श्रीखंड नाम से जो सेवा कर रहे थे, इतने में बाहर निकाले, निकलते ही साधु ने कहा, यहाँ पर श्रीखंड जी है? तब ठाकुर जी बोले, उनको क्यों ढूंढ रहे हो? बोले मैंने लक्ष्मी नारायण की उपासना की तो माँ अकेली दर्शन दी, मैंने कहा प्रभु जी कहाँ हैं? स्वयं लक्ष्मी बोले, अगर तुम उनको दर्शन करना चाहते हो नामदेव का घर में चले जाओ, उनको घर में श्रीखंड नाम से एक सेवक है, वही नारायण है। इतने में ठाकुर जी ने देखा, भैया मैं तो पकड़ में आ गया अभी तो पता चल जाएगा उसको, नामदेव को पता चल जाएगा मैं स्वयं नारायण सेवा कर रहा हूं, अभी यहां रहना नहीं होगा। बोले जाओ अंदर में, जाओ अंदर में गए तो ठाकुर जी गायब हो गए, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए ठाकुर जी। इतने में उसने जाकर के नामदेव को पूछा, आपका घर में श्रीखंड जी कहाँ है? और कोई नहीं, वो स्वयं नारायण है, स्वयं नारायण आपके घर में सेवा कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी मेरे को ये बात बताई। बोले स्वयं नारायण, ढूंढो ढूंढो, बात ठाकुर तो चली गई ठाकुर जी। हाँ, इसलिए कहते ये नामदेव ये विष्णु भक्त है और एकादशी व्रत रखते थे। अब पहले जो एकादशी व्रत रखते थे, एकदम एक दिन पहले एक बार खाते थे,
एकादशी का दिन पूरा निर्जला रहते थे और दूसरे दिन अपना टाइम से व्रत खोलते थे। अभी ठाकुर जी स्वयं नारायण हैं, स्वयं नारायण इनके घर में, इनको परीक्षा करने के लिए कहते, उनको परीक्षा करने के लिए नाम देखो स्वयं भगवान आ गए। भगवान आ करके बोले मेरे को खाना खिलाओ हैं, अन्न में रोटी खिलाओ, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे को कुछ खाना खिलाओ। बोले आज एकादशी है इसलिए आज हम खाते नहीं और दूसरों को अन्न नहीं देते। बोले अगर मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अगर आप खाना मेरे को नहीं खिलाओगे ना, मेरा प्राण यहीं पर छूट जाएगी, इसलिए मेरे को दाल भात सब्जी खिलाओ, नहीं तो मेरा प्राण छूट जाएगी। बोले जो कुछ हो जाए हम आज खिला नहीं सकते। बोले किसी घर में अगर अतिथि देव भव, अतिथि देव भव मतलब अगर घर में कोई अतिथि आए, ये देवता सदृश मानी गई अतिथियों को, इसलिए यथा योग्य अतिथियों को सम्मान करनी चाहिए। बोले मैं अतिथि हूँ इसलिए बोले आज मैं नहीं दे सकता हूँ अन्न आपको, नहीं दे सकता हूँ। बोले शरीर छूट जाएगा, बोले शरीर भले ही छूट जाए है, छूट जाए, लेकिन मैं ऐसे करते करते ना ठाकुर जी तो वहीं पर शरीर छोड़ दिया, ठाकुर जी शरीर छोड़ दिए। जब शरीर छोड़ दिए फिर तो उसको दाह संस्कार फिर करना पड़ेगा। बोले जब शरीर छोड़ दिया दाह संस्कार करे, फिर उन्होंने चिता सजाए, चिता सजा करके जब जलाने के लिए गए ना, इतने भगवान स्वयं वहाँ पर, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। इसलिए कहते एकादशी का दिन पूरा के पूरा एकादशी का, इसलिए उनका नाम नामदेव है, मतलब जो नाम का प्रति जिनकी बड़ी निष्ठा थी, हर समय भगवान के जो नाम जप करते थे, इसलिए वैष्णव मात्र से ही क्या करते हैं एकादशी व्रत को ये पालन करते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु भी एकादशी का दिन अपना माँ को बोले माँ आज एक चीज में मांगूंगा, कभी तेरे को कुछ मांगा ही नहीं, बोल बोल बेटा क्या चाहते हो। बोले माँ एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करना, एकादशी का दिन व्रत रखो। माँ कौन है, स्वयं जसोदा देवी है, सची देवा है ना, माँ जसोदा है, हैं, इसलिए जो भगवान की नित्य परिक्रमा रहे, इसलिए माँ श्री सची देवी भी एकादशी व्रत को, सची माँ भी एकादशी व्रत को वो भी क्या करती थी, इसलिए आज एकादशी तिथि है। और एकादशी तिथि का दिन हम लोग आज श्री रमाकांत श्रीदेवी हाँ उनका बच्चों ने आज अपना घर में भक्तों को बुलाया, घर में हरि कीर्तन किया, इसलिए आज का दिन बढ़िया शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन आज है। जो आज सारे भक्त लोग आए घर में हरि कीर्तन, घर में हरि कथा हो रही है, इसलिए नियम है क्या करनी चाहिए, घर में भक्तों को बुलाओ, हरि कीर्तन हरि कथा करो, फिर घर क्या होता, भगवान की धाम बन जाती है, भगवान की घर। प्रभुपाद कहते जिस घर में, जिस गृहस्थ घर में साधु लोग आते जाते रहते हैं, घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो, प्रभुपाद कहते वही मठ है, वही मंदिर ही है और वही भगवान की धाम भी वही है। बोले श्री एकादशी तिथि की, बोले श्री भक्ति जननी की। हाँ थोड़ा माधुरी जी का आदमी मैंने सुन लेते, कितना समय हो गया, 15 मिनट खत्म हो जाए, 5 मिनट सुन लो। हरे कृष्णा। हाँ इसलिए हम लोग सुन रहे थे माधुर्य कादम्बिनी, इसलिए कल हम लोगों ने माधुर्य कादम्बिनी कथा हम लोगों ने कल सुने थे, इसलिए कल हम लोग सुन रहे थे भक्ति एक लता है, लेकिन जब तक बीज नहीं हो तब तक लता नहीं हो सकता है। अब ये जो बीज वो क्या चीज है, कहते श्रद्धा है, श्रद्धा ये बीज है, कहते वो भगवत भक्ति, यहाँ पर कहते भक्ति मिलती है, पर कैसे भक्ति कैसे मिलती है, तो वहाँ पर बड़े तर्क वितर्क देते हैं। शास्त्र में कहीं कहीं बताया स्वच्छा बता रही अपनी आप भक्ति किसी अपना इच्छा से प्रकट होता है, हाँ कहीं कहीं बता बहुत उदाहरण दिया, सबई पुंसा पर धर्म जत भक्ति अध्यक्ष सजे अहेतु की अप्रतिहत्या जय आत्मा संप्रसिद्ध थी, वहाँ भी अहेतु की अप्रतिहता बताया, लेकिन यहाँ पर तरह तरह का तर्क वितर्क करते हैं भक्ति मिलती है कहाँ से, फिर लास्ट में जा करके स्थापन करते हैं भक्ति मिलती है भक्तों से, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, भक्ति मिलती कैसे, बल्कि केवल भक्तों की कृपा से, क्यों भक्ति कहाँ रहती है, भक्ति रहती है भक्तों की हृदय से ही भक्ति रहती है।
जब कोई भक्त हमारे ऊपर कृपा कर दे, किसी भक्त की अगर हमारे ऊपर कृपा हो जाती है भक्तों की बास, भगवत भक्ति प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है भक्तों का आशीर्वाद। इसलिए भागवत में दो श्लोक है, हैं दो श्लोक भागवत में बताया गया है। पहले मैंने बताया था जीव गोस्वामी, ये चीज को जीव गोस्वामी बताते हैं। एक समय जीव गोस्वामी कहते, एक समय भगवान ने सारे शास्त्र को बुलाया, वेद उपनिषद पुराण गीता भागवत, भगवान एक समय सारे शास्त्र को बुलाया। सारे शास्त्र को बुला करके भगवान प्रश्न करते हैं, बोले बताओ भक्ति पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, भक्ति कैसे जीव को प्राप्त हो सकता है। तब वेद पुराण उपनिषद सबको उन्होंने प्रश्न करते हैं, लेकिन सब लोग ने अपना अपना प्रश्न का उत्तर दिया। तो भगवान ने बोले भैया तुम्हारी मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ, तुम्हारी उत्तर सुन करके मेरे को संपूर्ण प्रसन्नता नहीं मिली। सब शास्त्र बोले भैया इतने हमने अच्छी अच्छी बात बताए, ठाकुर जी तो हमें इनकार कर दिए, लेकिन केवल एक भागवत ग्रंथ रह गया। फिर उन्होंने भागवत से प्रश्न करते, भागवत तुम ही बताओ भगवत भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या। तब भागवत ने दो श्लोक बोले, कितना श्लोक बोले, कौन सा श्लोक है, किसके याद है, बोलो कौन सा श्लोक है। दो श्लोक उन्होंने बोले, एक श्लोक श्री भरत महाराज रघुगण महाराज को बोल रहे हैं, एक श्लोक श्री भरत महाराज रघुगण महाराज को बोल रहे हैं। बोले क्या है, बोले रघुगणे न तपस्या न जाति न इजया न निर्बाप न गृहादबा नैव छंदसि नैव जलाग्नि बिना महत पदो रजोभिषेकम। बोले हे रघुगण महाराज, रघुगण न तपस्या, बोले तपस्या से भगवत प्राप्ति नहीं होता है। न जाति, किसी उच्च कुल में जन्म ग्रहण कर लिया क्या भगवत प्राप्ति भक्ति मिलेगी, बोले नहीं। न इज्जया, दिन भर पूजा पाठ करते हैं क्या उससे मिलेगा, बोले नहीं। बोले नहीं बस छंदसा, छंदा मतलब वेद, दिन भर हम वेद पढ़ते हैं क्या उससे भक्ति मिल जाएगी, बोले नहीं। बोले बड़े उच्च कुल में जन्म लिया क्या मिलेगा, बोले नहीं। बोले घर बार छोड़ छाड़ कर जटाजूट धारण कर लिया क्या उससे मिल जाएगा, बोले नहीं। हैं नैवा छंद जल, दिन रात जल और अग्नि को पूजा करती रहती है दिन भर क्या उससे मिलेगा, बोले नहीं। बोले भैया सब चीज को नहीं 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 कर दिया, फिर मिलेगा कैसे, बोले मिलेगा एक उपाय है, बिना महत पदो रजोभिषेकम। जब तक कि किसी महान साधु का चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करते हो, हैं जब तक इस साधु की कृपा तुम्हारे ऊपर ना ही हो जाए। इसलिए कृष्ण भी उद्धव जी को यही कहते, श्री सुदामा जी को यही कहते हैं, ना अहम इज्जा प्रजाति तपस उपन सबने वा तुस्य अहम सर्वहूतात्मा गुरु शुश्रूषा जाता। कृष्ण भी यही बात श्री सुदामा जी को कहते, बोले सुदामा ना अहम इज्जा प्रजाति ब, मैं पूजा पाठ तपस्या का द्वारा जितने संतुष्ट नहीं होता हूँ उतना संतुष्ट होता है वैष्णव गुरु जी की सेवा से, उतना मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। हैं उन्होंने एक श्लोक बोले। दूसरा श्लोक बोले, जब श्री हिरण्यकशिपु प्रहलाद से प्रश्न किया, बोले प्रहलाद जो कुछ मैं प्रश्न करता हूँ तू एक ही बात कहते हो। हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मा निवेदनम। बोले पिताजी सबसे उत्तम विद्या वही है, सबसे पहले अपना गुरु जी के चरण में ठाकुर जी के चरण में सबसे पहले शरणागत हो जाओ। शरणागत होकर के भगवान की कथा सुनो, भगवान का स्मरण करो, भगवान की कीर्तन करो, भगवान की पूजा करो, उनकी अर्चन करो, उनकी पद सेवन करो, उनकी सख्य दास्य अगर जो व्यक्ति करता है कहते जगत में सबसे उत्तम विद्या यही है। बोले तेरे बुद्धि कौन बिगाड़ा, तेरे बुद्धि को बिगाड़ा दिया किसी ने, हर बात में भगवान की भक्ति भक्ति। कहते उस समय तो एक हिरण्यकशिपु था, अभी घर घर में हिरण्यकशिपु हो गए। उस समय तो एक हिरण, अभी घर घर में हिरण्यकशिपु। अगर बेटा अगर सिगरेट फूंकता है ना, शराब पीता है, उल्टा पुल्टा काम कर, वेरी वेरी गुड, बच्चे तो एडवांस कर रहा है। लेकिन अगर संतों संग में जाकर गले में कंठी तिलक लगा दे, बोलिए ये सब क्या काम है, ये कोई तेरी उम्र है भजन करने की, हाँ अभी से तुमने सब कंठी माला तिलक तुमने अभी से क्या लगा दिया तुमने, हाँ
इसलिए कहते अभी घर घर में हिरण्यकश्यप हो गए सबके सब। इसलिए उन्होंने उन्होंने जब बताया सब कुछ तब वो कह रहे हैं कि जो संढा मर के है, जो गुरु के पास में मैंने तुमको भेजा था लेखा पढ़ा सीखने के लिए, क्या वे तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिए, वो लो कर दिए। तब प्रहलाद कहता है, बोले पिताजी नैसांग मति स्तावत उरुक्रमांग्री स्पिशार्थ अनर्थ अपगमम जदर्थ मई असाजनम निष्किंचना नाम न ब्रंड जावत। बोले पिताजी जब तक तो कोई निष्किंचन साधु है, इसलिए साधु की चरण में हम शरण में नहीं जाओगे, नैसांग मति स्तावत, तब तक ये मति कभी भी भगवान के चरण में लग ही नहीं सकती है। तभी लगेगी अगर जिसका लगा हुआ व्यक्ति, जिसका मति लगा हुआ है, अगर आप उनकी शरण में जाओगे ना, अगर उनकी कृपा हो जाएगी, फिर तो ये मति भगवान के भजन में लग सकती है। बस भगवान खुश हो गए, बोले वाह, मैं यही सुनना चाह रहा था, मैं यही सुनना चाह रहा था, मेरे भक्त की बगैर भक्ति कभी तुम्हें मिल नहीं सकती है। इसलिए भक्ति मिलेगा कैसे, भक्तों की कृपा से ही हमें भक्ति मिल सकती है। इसलिए फिर कल से सुनेंगे ये भक्ति कैसे स्वतंत्रता है, हैं, भक्ति किसकी अधीन नहीं, और भक्ति कैसे सबसे सरल उपाय है, और भक्ति कैसे किसी चीज को निर्भर नहीं कर सकती है, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र, भक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र, ये भक्ति कैसे है, कल हम इस चीज को सुनेंगे। ठीक है, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले श्री एकादशी तिथि की, बोले श्री भक्ति जनन की, बोले श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ठीक, अब आरती करोगे, आरती करो।